what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवित फैमिली व्लॉग। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी हमारी गेल विजयपुर टाउनशिप, जहां पर हम रहते हैं। टाउनशिप बहुत ही प्यारी है और टाउनशिप में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इसलिए मोस्टली मैं सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई है ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें दिखा सकूं। बट फिर भी बहुत सारी चीजें अभी रह भी गई है दिखाने के लिए। कोई ना, जितनी चीजें दिखा रही हूँ वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि टाउनशिप कैसी है। अभी हम चलते हैं फेज वन के मंदिर में। ये है मंदिर। जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो मैंने अंदर से भी अच्छे से बनाया था, बट वीडियो से वो अंदर वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो हटा दी और बाहर से फिर मैंने सारी चीजों का बाहर से एक वीडियो डाला है कि मतलब बाहर से आपको आइडिया लग जाए कि टाउनशिप कैसी है, चीजें कैसी है। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल। रास्ते में पड़ता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। ये पार्क ही बहुत बड़ा है। मोस्टली यहाँ पे होली और बड़े बड़े फेस्टिवल के सेलिब्रेशन होते हैं। ये है यहाँ का गेल हॉस्पिटल। मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था ना, तो उस दिन संडे था, इसलिए आपको हॉस्पिटल में स्कूल में कोई दिखाई नहीं देगा। ये है एम्बुलेंस और सामने आपको ये मतलब सामने है ये मेडिकल स्टोर और ये है इमरजेंसी वार्ड। ये 24/7 खुला होता है। इसमें डॉक्टर्स की शिफ्ट लगती है, मतलब अगर कोई रात में बीमार पड़ जाए तो ये नहीं है कि यार हॉस्पिटल बंद है। ये अभी हम आगे केंद्र विद्यालय, ये जो केंद्र विद्यालय है ये भी फेज वन में है। और मैंने पहले बताया कि ये वीडियो मैंने संडे के दिन बनाई थी, इसलिए ये गेट भी बंद है और इसमें आसपास कोई बच्चा टीचर कुछ बाहर भी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कुछ ऐसा केंद्र विद्यालय दिख रहा है। अभी हम चलते हैं स्पोर्ट ग्राउंड में। ये है यहाँ का प्रियदर्शनी स्पोर्ट ग्राउंड। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब आपको दूर दूर तक जहाँ तक दिखेगा ना, ऐसा आपको आइडिया नहीं लगेगा, बट आप रियलिटी में देखोगे तो ये स्पोर्ट ग्राउंड। अभी हम चलते हैं स्विमिंग पूल। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ये है पेट्रोल पंप और ये सीधा जो रास्ता जा रहा है वो स्विमिंग पूल को जा रहा है। मैं अंदर से स्विमिंग पूल दिखा देती हूँ। स्विमिंग पूल की वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ा था। मैं 2-3 बार आके चली गई थी पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बाद में मुझे एक दिन वीडियो फाइनली बनाने को मिली, क्योंकि स्विमिंग पूल में जब कोई होता है तो उसमें फोटोज वीडियोज बनाना अलाउ नहीं होता। और स्विमिंग पूल में अलग अलग स्लॉट्स डिवाइडेड है, कब मेल्स के लिए कब फीमेल्स के लिए, और कब कॉमन है कि मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। ये चेंजिंग रूम है। ये है फेज वन का पार्क। इसमें मोस्टली सारे झूले हैं और ये आगे तक तो बहुत बड़ा है। मैंने स्टार्टिंग का ही दिखाया कि स्टार्टिंग की एंट्री से ही दिखाया कि ये कितना दिख रहा है, आगे भी ये बहुत बड़ा सा है। और इस झूले की सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, कि ये मेरे घर के सामने पड़ता है, मतलब मेरी बालकोनी से ये पार्क दिखता है। अभी हम आ गए हैं ओपन जिम। तो अंदर से ये ओपन जिम कुछ ऐसा है, मैं और आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये है ओपन जिम, इसके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। अभी मैं जिस टाइम पे आई थी ना, उस टाइम पे कोई नहीं था। मोस्टली मॉर्निंग में और इवनिंग में सबसे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, मतलब फुल नेचर का मजा भी लो और अपनी एक्सरसाइज भी करो। अभी हम एंटर कर गए हैं फेज टू में। मैं गेट की वीडियो नहीं बना पाई थी, तो जैसे गेट से एंटर करते हैं ये स्ट्रेट एक रोड पड़ती है और इस पे सीधे चलो तो सबसे पहले गोल्फ कोर्स बनता है, इसलिए मैंने फेज टू की वीडियो गोल्फ कोर्स से स्टार्ट की है। अभी आगे चल के पहले गोल्फ कोर्स दिखा देती हूँ, उसके बाद फेज टू दिखाएंगे। तो ये है गोल्फ कोर्स। हम एंटर कर चुके गोल्फ कोर्स में। अभी आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको जहां तक दिखेगा ना कि ये पूरा गोल्फ कोर्स ही है। वीडियो में नहीं आइडिया लगेगा, बट रियली जब आप अंदर जाके देखोगे तो ये आपको गोल्फ कोर्स दिखेगा। ये बहुत प्यारा है, मतलब जब मौसम अच्छा हो और इधर आप आ जाओ ना, इतनी शांति, चिड़ियों की चूं चा के अलावा आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर। तो गोल्फ वाटिका, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ लगा रखे हैं और उसको मेंटेन भी करते रहते हैं। अभी यहाँ पे अभी मैं वीडियो बनाई थी ना इतनी दोपहर में, तब भी 3-4 लोग उसको मेंटेन करने के लिए लगे हुए थे। तो ये मैंने आपको अभी गोल्फ कोर्स दिखाया। गोल्फ कोर्स के बिल्कुल पास में ही श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल है। ये स्कूल फेज टू में है। अभी मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ कि फेज वन है फेज टू है। ये स्कूल फेज टू में है सत्य साई, ये गोल्फ कोर्स के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम मंदिर दिखा देते हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर।
फेज टू का मंदिर। इसमें शाम के टाइम ना, मतलब आप फेज टू में घूमोगे ना तो आपको आवाज आती है कि हाँ मंदिर में कीर्तन चल रहा है, पूजा चल रही है, आरती चल रही है। ये जब हम मंदिर से वापस आते हैं तो ये सीआईएसएफ प्ले ग्राउंड पड़ता है। ये ग्राउंड भी बहुत दूर दूर, मतलब बहुत बड़ा है दूर तक आपको जहाँ तक दिख रहा है। अभी हम दिखा देते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने फेज वन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाया था, वीडियो में मिस हो गया, बट अभी फेज टू का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैं दिखा देती हूँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम एंटर कर चुके हैं। इसमें एटीएम है, आपको मतलब बेसिक सारी चीजें इसमें मिल जाती है, जूस वगैरह की, पार्लर भी है, आयरन की शॉप भी है, और बैंक भी है, टेलर की दुकान भी है। मतलब इसमें मोस्टली सारी जितनी बेसिक नीड्स होती है ना, उसमें सारी चीजें और सब कुछ इसमें मिल जाता है। अभी ये आ गए यहाँ पे ग्राउंड पे। हम सबसे पहले ही मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में ही ये है स्केटिंग ग्राउंड, और ये स्केटिंग ग्राउंड से नीचे ये है क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड। ये दूर तक आपको जहां तक दिख रहा है ना, मतलब पेड़ों से जो बाउंड्री टाइप एक है तो वो पूरा, अभी उसी के जस्ट पास में ये है पार्क। अभी हम पार्क में जाते हैं। ये हम एंटर कर गए पार्क में। ये पार्क तो बच्चों का फेवरेट है, शाम के टाइम इसमें इतनी भीड़ होती है बहुत बहुत ज्यादा, और अभी तो ये खाली खाली लग रहा है जब इसमें बच्चे भर जाते हैं, कोई इधर कूद रहा है, कोई इधर खेल रहा है, तो ये पार्क और ज्यादा सुंदर और ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सुंदर, हाँ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा ये एक पार्क, गोल गोल एक बाउंड्री दिख रही है ना, ये इसमें ये एक फाउंटेन है, बट इसे छठ घाट भी बोलते हैं, क्योंकि जब छठ आती है तो लोग यहाँ पे अपनी वो होता है ना, उनका पानी में होके वो पूजा करते हैं, तो यहाँ पे वो अपने पूजा वूजा करते हैं। और ये पार्क है। अभी हम चलते हैं मिनी जू में। इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है जीव औषधीय उद्यान। हाँ तो इसमें हम अंदर चलते हैं। ये ऐसा है, इसमें तीन ये बनाए हुए हैं पिंजरे टाइप, बड़े बड़े रूम टाइप। अभी हम चलते हैं ओपन जिम में। ओपन जिम फेज वन में भी था, अभी ये जो ओपन जिम है ये फेज टू का ओपन जिम है। इसमें भी मोस्टली सारे इक्विपमेंट्स वही हैं जो फेज वन में थे। ये तो हो गया व्यायामशाला। अभी हम चलते हैं अवंतिका क्लब में। ये दूर से अवंतिका क्लब दिख रहा है, ओपन जिम से निकलते ही मतलब पास में ये अवंतिका क्लब पड़ता है। अवंतिका
अवंतिका क्लब की जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस दिन अवंतिका क्लब का रिनोवेशन का काम चल रहा था। आपको ऊपर इधर उधर मतलब लोग दिखाई देंगे, कोई पेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, तो उस टाइम पे इसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। रिनोवेशन के बाद ही वीडियो बनाती तो शायद अवंतिका क्लब और अच्छा लग रहा था, तो आपको पता चलता है जो आसपास है थोड़ा मतलब उनकी सफाई वफाई चीजें दिख रही है, तो उसको इग्नोर करना क्योंकि ये रिनोवेशन का काम चल रहा है। और अवंतिका क्लब में अंदर से तो अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं एक वीडियो बनाना चाहूँ ना तो अवंतिका क्लब भी बन जाएगी। अवंतिका क्लब में अंदर है क्या क्या, म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, लाइब्रेरी, जिम, टेनिस कोर्ट, पार्टी हॉल, बहुत सारे रूम है। मैंने अलग अलग मतलब मैंने वीडियो बनाई थी बट लिटरली वीडियो बहुत बड़ी हुई थी इसलिए सब मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया था। और हाँ, अवंतिका क्लब में वॉशरूम भी है तो ये अवंतिका क्लब है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो भगाई कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए। अभी मैं दिखा देती हूँ कि ये जो बेडरूम है अवंतिका क्लब में ही है ये। आता नहीं है, मेरा टाइमिंग ही ऐसा था कि मतलब वहां पे कोई लोग कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। बाकी जिम के भी स्लॉट्स डिवाइडेड है कि कब वुमेन्स, कब फीमेल्स के लिए है, कब मेल्स के लिए है। ये है टेबल टेनिस रूम। अभी अवंतिका क्लब से बाहर निकल के उसके पीछे आता है ये ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम है, इसमें मोस्टली हर वीक शाम को मूवी लगती है, जो भी कोई रिसेंट में नई मूवी आती है वो ऑडिटोरियम में लगती है। और ये आपका ये फिर ऑडिटोरियम के पास में ये पड़ता है बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट। ये लॉन टेनिस है, ये ऑडिटोरियम के पास ही है। अभी हम चलते हैं हॉस्टल, ये फेज टू का हॉस्टल है। एक हॉस्टल फेज वन में भी है, वो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई। ये वाला हॉस्टल है SBS सीनियर बैचलर हॉस्टल। नाम पे मत जाना, ये हॉस्टल बैचलर्स के लिए नहीं है, मतलब जो सिंगल्स लोग रहते हैं और मोस्टली ये सीनियर्स के लिए है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनको ये हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं, जो कि सिंगल रहते हैं, उनकी फैमिली कहीं और रहती है। तो ये है SBS सीनियर बैचलर हॉस्टल। इसके पीछे बहुत अच्छा बनाया हुआ है, गार्डनिंग टाइप है, एक छोटा सा बोलते हैं ना पोन टाइप बना रखा है, तो बहुत अच्छा एक व्यू देता है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसमें बहुत सारे कमल के फूल खिल रखे थे, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जब सावन वावन का टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी एकदम ज्यादा हो जाती है ना उस टाइम पे तो ये बहुत सुंदर लगता है। और अभी हम चल रहे हैं गेस्ट हाउस में। ये गेस्ट हाउस ही फेज टू में ही है।